आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई है, उनको सुनकर हमारी आपसे कथा सुनने की इच्छा और बढ़ती ही जाती है। कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी अल्प आयु के होंगे, निर्धन होंगे, इस पर भी अनेकों प्रकार के ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे, फिर किस प्रकार तपस्या यज्ञ आदि कर सकेंगे, कैसे वह श्री हरि का स्मरण ध्यान कर सकेंगे। इसलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष का देने वाला रोग नाशक सर्व प्रकार सिद्धि प्रद रोग मुक्ति दायक ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से लोक में सर्व प्रकार का सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याण निमित्त बहुत सुंदर बात पूछी है। रोग मुक्ति दायक मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार का व्रत बताने व कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, उसी संवाद को अब मैं तुमसे कहता हूँ, शांत होकर सुनो। एक समय भगवान कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुँचे। कुंती देवी ने बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल मंगल का समाचार पूछा। कुंती ने उत्तर दिया, प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि है, उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता। प्रभु सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, फिर हमें क्या दुख है, इसका हमें भान भी नहीं होता। हे अमंगलहारी, आपका नाम ही सभी अमंगलों के विनाश की अनुपम औषधि है। इस पर आपने दर्शन दिए, फिर प्रभु, कष्ट कहाँ, दुख कहाँ, परंतु आपकी आज्ञा है तो प्रभु कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से रोग की मुक्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी प्रकार योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। अतः प्रभु, मोक्ष को देने वाला कोई व्रत कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक समय देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था, उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ शंकर बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गण थे। उस समय देवी पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करे। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष देने वाला जो कोई व्रत हो, वह मुझसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, आप वही कार्य करें। प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारिणी हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। आप मुझ पर दया करके रोग विनाशम कष्ट हर और मोक्ष देने वाला व्रत कहिए। पार्वती के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर शिव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर अमृत समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा, क्योंकि
जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों के समान है। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री हरि के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। पार्वती, पुण्य भूमि भारत वर्ष में ऋषि पत्नियों का समूह यमुना किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देख लो, वह रोग हर शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष का देने वाला व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारत वर्ष के लिए चल दे। मार्ग में कुसुमवती नामक स्त्री मिली, उसके कोई संतान नहीं थे, वह बहुत दीन थी, उसके पति नहीं थे, उसे त्याग दिया था और वह अनेकों प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती जी ने उसको दुखी देखा तो उससे पूछा, भद्रे तुम क्यों दुखी हो? कुसुमवती ने बताया कि हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण मैं वन में दुखी होकर रहती हूँ। पार्वती जी ने उससे बोली, बहन मेरे साथ चलो, हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगे जिसके करने से तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह व्रत मोक्ष तक देने वाला है। देवी पार्वती जी की बात मानकर कुसुमवती उनके साथ हो चली। खुद ही कुछ ही दूर पार्वती जी व कुसुमवती चली कि उन्हें एक और स्त्री रोती हुई मिली। उसको देखकर पार्वती जी ने पूछा, भद्रे आपका क्या नाम है और इस प्रकार से दुखी होने का क्या कारण है? उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम गंगा है, मेरे पुत्र नहीं होता, इसलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे हाथ की बात नहीं है। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पति मुझे त्याग देंगे, उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूंगी, मुझे कौन सहारा देगा और क्या क्या कष्ट उठाने होंगे। उन्हें ध्यान करके मैं दुखी हो रही हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे मैं पति के बिछोह के दुख से दुखी ना हो। पार्वती जी ने कहा कि हे गंगा, तुम्हारा पति बिछोह नहीं होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। पार्वती जी कुसुमवती व गंगा को साथ लेकर रविवार के पूर्वा के समय यमुना किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवियों आप यह क्या कर रही हो? यह किस देवता का व्रत है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों हम पाप नाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हैं। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष का देने वाला है, धन पुत्र आदि की तो गिनती ही नहीं। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनि जनों को दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ होता है। तेल, आंवला, नमक, अनार, छाड़ को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल व्रत करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक साल एक एक धान्य सूर्य को समर्पित कर दिया जाता है। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसको उस वर्ष खाया नहीं जाता है। पहले वर्ष जौ, दूसरे वर्ष गेहूं, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष में उड़द दान में दिए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इनका दान किया जाता है और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत का उद्यापन माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है।
12 ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा आदि दे पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर के रोग की समाप्ति, यश समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती, कुसुम्बती और गंगा ने व्रत का विधान व फल सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुम्बती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव से समय पाकर उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधु फल की प्राप्ति की और कैलाश के लिए चल दिए। पार्वती जी अपने हाथ में मधु फल लिए कैलाश को जा रही थी कि उन्होंने मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देखा। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। पार्वती जी ने दया कर उस फल ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं कैलाश के लिए चल दी और भगवान शंकर को नमस्कार कर बैठ गई। ब्राह्मण फल सहित घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया, क्योंकि उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया था और बहुत सी गायें द्वार पे खड़ी थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, यह सब किस चीज का प्रभाव है? ब्राह्मणी ने हाथ में फल देखकर कहा, यह तो मधु फल है जो तुम हाथ में लिए हुए हो। यह मधु फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह सब इस फल का प्रताप है। ब्राह्मण ने सभी कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल के प्रताप से ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और वह रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति कर अंत में श्री हरि के लोक में वास करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके का व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथा और कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।